सो हे व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो तुम सभी। सो गाइस आज हम एक और बार खेल रहे हैं पोकेमोन एक्स का रैंडमाइजर नज़लॉक। सो मैं क्या कह रहा था, हाँ सो हम लोग लास्ट एपिसोड में हम लोग यहाँ तक आ गए थे एंड हमने क्लेमेन से मिला था। सो आज और हमको ड्रीम फ्लेयर के बंदे भी कुछ दिखे थे एंड गाइस हाँ आज मतलब मैंने मतलब क्या कह रहा था मैं कह रहा था कि मैंने जो ये सेव फाइल का वीडियो है मेरा मेरी वाली सेव फाइल का वो मैंने मतलब बना लिया है, लेकिन उसके डिस्क्रिप्शन में आज मैं जितना खेल लूँगा उतना डाल दूँगा उसके डिस्क्रिप्शन में। सो ज़रूर से चेकआउट मार लेना। एंड गाइस मैंने इस बार एक वीडियो बना दिया, लेकिन अगली बार से जब भी मतलब मुझको दो चार जिम दो तीन जिम और हराने के बाद मैं आपको अपनी सेव फाइल एक बार और बार प्रोवाइड कर दूँगा, लेकिन मैं इस तरह नहीं करूँगा कि मतलब वीडियो बनाऊँगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा उसी जिसमें से फाइल देने का मन होगा, मैं उसमें मीडिया फाइल की लिंक दे दूंगा। ज़रूर चेकआउट ज़रूर कर लेना, क्योंकि वो सिर्फ 400-200 KBPS की है और मैंने ओमेगा डूबी की भी सेफ फाइल करी है, तो उसको भी चेकआउट करना। एंड ये लड़की यहाँ पर नहीं खड़ी थी, हे यू इफ़ यू वांट, ओ भाई ये तो चली गई, हाँ लेकिन ये यहाँ पर नहीं खड़ी, चलो अड़ाओ। सो अभी मैंने सिटी में तो काफ़ी कुछ देख लिया एंड वहाँ पत्थर वाले कितने मस्त थे, बातों में ये पता ही नहीं चला। एंड चलो उसने हमको हॉस्टल में जाने का है तो हम लोग होटल जो भी है ये जाते हैं। एंड यहाँ दो दो लोग मैनेजर सीट पे हैं, ठीक है देख लेते हैं और क्या। वेलकम टू द होटल मानिया सो, ठीक एंड वेयर माइट। सो आज मैं मतलब आज मैं जहाँ तक भी खेल पाऊँगा मुझको पता नहीं है, लेकिन आज मैं जहाँ तक भी खेल पाऊँगा मैं वहाँ तक की सेव फाइल आपको प्रोवाइड कर देने वाला हूँ। सो ज़रूर चल रहा मार लेना, बढ़िया है एंड बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। आप कोई भी मतलब मेरी सेव फाइल जरूरी नहीं है, कोई भी सेव फाइल को इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये ऐसे इसी ड्रा के वीडियोज़ पसंद है तो बताइएगा। एंड मुझको मतलब लगता है कि ज़्यादातर लोग मतलब ये थ्री डी एस गेम नहीं खेल पाते हैं। सो मैं एक GBA गेम की सीरीज़ और एक NDS गेम की सीरीज़ ज़रूर से स्टार्ट करने वाला हूँ। NDS गेम में मैं खेलने वाला हूँ पोकेमॉन प्लैटिनम गेम को एंड मैं अपने उसमें खेलूँगा क्या बोलते हैं GBA में पता नहीं, मैं सच बताऊँ। कोई आप सजेस्ट ज़रूर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कोई सा भी गेम अच्छा सा, लेकिन उसकी ग्राफिक्स तो GBS कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, लेकिन उसकी स्टोरी लाइन बढ़िया होनी चाहिए और वो थोड़ा नया गेम होना चाहिए प्लीज़। एंड हम अपनी पोकेमॉन प्लैटिनम की वही वाली सीरीज़ कंटिन्यू करने वाले हैं, याद ही होगा आपको सबसे पहली सीरीज़ इस चैनल की मेरी बहुत मस्त। एंड हम आज तो नहीं मतलब आज क्या कह रहा हूँ मैं भी पागल हूँ, अब हम उसको खेलेंगे मतलब डेली, हाँ डेली दो वीडियोस डालना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि मतलब मुझको डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन मेरा डेटा ख़त्म हो जाता है, इसलिए मैं डेली तो नहीं डाल पाऊँगा। ठीक है चलो हम लोग मेन गेम पे फोकस करते हैं, बहुत बातें हो गई एंड बैकग्राउंड में कुछ नाउ हॉर्न की आ रहा सॉरी। एंड अभी मेरा एक फ़ोन आ गया सो उसके तो वो नहीं कर सकते। एंड हम कहाँ जा रहे हैं, मिस्टर बॉन्डिंग से मिलना है हमें, चलो लेकिन मैंने हे हाय हे व्हाट हाउस गोइंग आई एम मिस्टर बॉन्डिंग एक्सेप्ट आज क्या हो गया यार, डू यू नीड एक्सप्लेनेशन अबाउट ओ पावर्स, या बिल्कुल मांगते हैं हम एक्सप्लेनेशन, चलो चल भी चलो मिस्टर बॉन्डिंग से हमको स्पीड पावर लेवल 1 की मिल गई, बढ़िया चलो हमको कुछ तो मिला, फ्री में तो नहीं आए यहाँ, मतलब फ्री में आए हैं लेकिन फ्री में टाइम पास तो नहीं किया। सो चलो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मिस्टर बॉन्डिंग तो खिसक लिए दूसरे होटल में। चलो इससे ये बात हो गई कि होटल के लास्ट रूम में हमको मिलते हैं मिस्टर बॉन्डिंग, सो उनसे हर बार पावर लेना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये यूज़ कैसे करते हैं या ये ऑटोमेटिकली हमारे अंदर चली जाती है, ऐसा कुछ होता होगा लेकिन पता नहीं क्या होता है। यहाँ तो फोटो है, फोटो खिंचाना तो बड़े मुश्किल है सही में बहुत। नेट लुक आर यू व्हाट आर डूइंग लुकारियो
हे यू आर दैट ट्रेनर फ्रॉम रूट 5 या ऑफ ऑफ आगे आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर बट आई थिंक लुकारियो इज सेइंग इट्स वॉन्ट बैटर विथ यू। लेकिन देखने वाली बात होगी ये लुकारियो रैंडमाइज्ड होते हैं कि नहीं। इज सेइंग दैट सो आई हैव टू लुकारियो बट यू नो विच इज वन ऑफ वन दैट हैज टेकन टू सेवर विक्ट्री। चलो कोरीना का रेटिकेट आया वाह। सो रेटिकेट तो कुछ खास हावी नहीं पड़ने वाला हमारे ऊपर मुझे पता है क्योंकि एक नॉर्मल टाइप के खिलाफ एक फाइटिंग टाइप कैसे नॉर्मल टाइप जीतेगा। हाँ लेकिन ये गेम है तो कुछ भी अभी तो ना लॉक है तो कुछ भी हो सकता है। हर पल डर हर बैटल मतलब मुझ को बहुत डर लगता है सही में। हर बैटल में किसी न किसी में एक मूव सामने से पड़ता नहीं है कि मुझ अंदर से डर लगता है। वैसे पता हो जैसे मुझको पता है कि ये कुछ खास नहीं कर पाने वाला लेकिन फिर भी चलो डबल किक चलो डबल किक ने इसका काम तमाम कर दिया। बाय रेटिकेट को टू हिट लगे लेकिन फिर भी मतलब मूव तो एक ही लगा। ओ भाई 26 की हो गई वाह बढ़िया। ठीक है हमको कोई दिक्कत नहीं हो लेवल अप हो जितना होना उतना लो। स्वैग बक्स आ रहा ठीक है एंड गाइस स्वैग बक्स आ रहा तो इसको हराने के लिए हमको मुझको सच बताऊँ पता नहीं ये स्वैग बक्स क्या है इसलिए मैं स्विच नहीं कर रहा हूँ। ओ हिरन मृग मैंने कितना अच्छा ये संस्कृत होता है हिरन को मतलब डियर को संस्कृत में कहते हैं मृग। टेक डाउन यूज़ किया मृग ने ओह बढ़िया बढ़िया क्या 9 HP पे सच में यार मुझको हिचकी आ गई डर के मारे। डबल किक चलो डबल किक से हरा देते हैं एंड आज थोड़ी शांति है सही में बैकग्राउंड में लेकिन ज़्यादा शांति नहीं करना चाहिए वरना नज़र लग जाएगी। अभी इतनी शांति है वो बढ़िया है एंड अगले मूव से पे तो ये टिक नहीं पाने वाला। कंबस के इनको हाथ से गवाना नहीं है इतनी अच्छी टीम बनी है सही मुझको अपनी टीम बढ़िया पसंद है। लुकारियो है फ्रोगेडियर है विनासोर है सैंडी गार्चोम्प है कंबस के ने अभी तो ब्लेजिकन नहीं है हाँ और वो क्या बोलते हैं गॉड ऑफ ऑल पोकेमोन तो रह ही गया आरसीएस। हमारी टीम में आरसीएस है तो कोई डर नहीं लेकिन अगर चलो ठीक है विनू क्रिकाल लेते हैं विनू इनका काम तमाम कर देगा और इनके अगले पोकेमोन्स का भी शायद कर दे। एंड इससे गौर करने वाली बात है कि हमारा ये विनू का कलर सही हो गया वाला कलर बढ़िया था एंड ये अभी भी 1 HP बचा है मतलब हमारा मूव खाना ही है तुझे ना यही प्लान करके आया है। चलो यार इसको एक पेटल डांस मार देते हैं डबल एज मार के कुछ नहीं होने वाला ये रेजरलीफ मारते सही रहेगा पेटल डांस बर्बाद क्यों करना रेजरलीफ से ये पक्का चला गया। ठीक है चलो ये स्वैग बस गया एंड गाइस अब मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ हाँ ना अभी तो डाल पा रहा हूँ क्या है आगे का पता नहीं एंड थोड़ा सपोर्ट दिखाइए सब्सक्राइब मारिए ज़्यादातर हमारा वॉच टाइम आता है सब्सक्राइबर से नहीं आता मतलब जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे आता है। सो सब्सक्राइब ज़रूर मार दीजिएगा आपको डेली और आपके मनपसंद गेम प्लेज मिलेंगे मतलब हाँ मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे। चलो फ्रोगेडियर 19 का हो गया एंड जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक मैंने पोकेमोन प्लैटिनम का एंड हाँ जितना मैंने 3 एपिसोड तक खेला था मतलब एक जिम हरा लिया था हमने सो मैं वहीं से कंटिन्यू करने वाला हूँ एंड हाँ यही से करूँगा और क्या या उनको डिलीट करके फिर खेलें तो मज़ा नहीं आएगा
एंड मैं सच बताऊँ उसका रैंडमाइजर नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं करना चाहता। रैंडमाइजर करो फिर नज़लॉक खेलो, मज़ा नहीं आता सही में। लेकिन सिंपल गेम भी इतना बढ़िया मैंने कभी नहीं खेला सच बताऊँ। मतलब मैंने उतना जितना वीडियो में खेल पाया था उतना ही खेल पाया, फिर मैंने नहीं खेला एक भी। मुझको आगे पता ही नहीं क्या होता है। पोकेमॉन प्लैटिनम में किसी सीरीज भी नहीं देखता हूँ, इसलिए अपना सीरीज बनाओ अपना देखो, खेलेंगे हम भी। ये गया 213 एक्सपीरियंस मिला, बढ़िया ठीक है। चलो एक्सपीरियंस शेयर से चला गया। एंड गाइस हाँ, मैंने बहुत दिन से वो हाउ टू बिकम अ परफेक्ट पॉकेट्यूबर वाला सीरीज़ में कुछ डाला नहीं है, सो मैं डालने का सोच ही रहा हूँ। कुछ नया मस्त तड़कता भड़कता बनाना है मुझे, जो आपके काम भी आए, ऐसे वैसे नहीं। ओके नाउ आई गेट इट, आई सी वाई लुकारियो लाइक्स यू सो मच। अच्छा अच्छा बहन, सो डू यू रिमेम्बर दैट आई एम जिम लीडर इन सैलो सिटी। वंस यू गेट पास्ट द केव जस्ट बियॉन्ड हियर, you will be able to have there. So, सॉरी मिस कर गया, मेरी आदत सच में गंदी हो गई है, लेकिन ठीक है। सो गाइस मैं हील करने गया था, एंड मैंने हील करते हुए तो सोचा कि देख लेते हैं जरा यहाँ कुछ सामान मिल जाए अच्छा, और हमको यहाँ वो हाइपर पोशन सुपर रिपेल मिल रही। सो केव में जा ही रहे हैं तो सुपर रिपेल खरीद लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, और हाइपर पोशन भी मैं 300 खरीद लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास ठीक ठाक पैसे इसलिए हैं क्योंकि अभी हमने जिम हराया है। नहीं हाँ जिम हराया है, और हाँ मिल गए हैं कहीं जिम के बाद। मैंने 2-3 जितने भी पता नहीं, लेकिन जिम में हमको सच में अब मज़ा आ गया, बिना एक ट्रेनर लड़े मैं गया, आई डोंट इवन बिलीव। और इसलिए गया क्योंकि वैसे तो हमारा अगर मेन गेम होता, मेरी आदत है मेन गेम होता है उस तरह, तो पोकेमॉन को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिलता, इसलिए ट्रेनर लड़ना ज़रूरी होता है। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए फिर से, एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। चलो चलते हैं रूट नंबर 11। एंड मुझे नहीं लगता मैं यहाँ कोई पोकेमॉन पकड़ूंगा क्योंकि हमारे पास टीम ऑलरेडी फुल है, वैसे मैं चाहता भी नहीं कोई फेंट हो। चलो यार सर्कल पैड को हटाओ, ऐसे ही डी पैड से खेलते हैं, सर्कल पैड से मेरा हाथ यहाँ वहाँ चला जाता है तो काम हो जाता है। चलो स्टेटस बेरी मिल गई हमको, कोई भी मतलब कोई भी ट्रेनर से लड़ने का बिल्कुल विचार नहीं मेरा, बिल्कुल भी आचार नहीं है मेरा किसी भी ट्रेनर से लड़ने का। एंड इसमें अरे यार क्या हो रहा, जब जब मैंने सर्कल पैड इस्तेमाल किया तब तब शाइनी स्टोन मिला, ओ भाई मज़ा आ गया, शाइनी स्टोन मिल गया बढ़िया, ठीक है ठीक है। एंड गाइस आज वाला वीडियो डालने में मतलब बड़ा इतना टाइम लगा, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है ठीक है। एंड हम अपना शाइनी स्टोन किसी पकड़ा देते हैं, देखते हैं कोई लेगा। अनेबल, सब अनेबल हैं यार, ये तो गंदी बात है। मैंने सोचा कुछ शाइनीज मिल जाएंगे, मतलब इतना भी आसान नहीं शाइनी स्टोन के बाद भी। ए भाई ये थोड़ा ख़तरनाक प्लेयर है, एंड देखते हैं किसका इनकाउंटर होता है। सेलेमेंस का लग रहा, सेलेमेंस ही है, चलो हटाओ इसको, मैं रन कर देता हूँ। चलो जाल शांति से निकल चलते हैं यहाँ से। एंड आज का भी वीडियो बड़ा लंबा होने वाला लगता है, ये केव देख के ही मैं समझ जाता हूँ केव में बहुत लंबे वीडियोस पड़ते हैं। इस वाले में देख लेते हैं, इस वाले में एंड इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा मुझको, बढ़िया मतलब कुछ ही में मिल रहा है हमको। आगे देख, ओ भाई डबल बैटल, नहीं लड़ना मैं किसी से नहीं लड़ने वाला, अगर हमने इनसे बच गए। होलो क्लिप रिसीव्ड, बताइए बताइए किसकी है भैया। प्रोफेसर सिकमोर, हेलो सिकमोर, हेलो देयर, लुक लाइक यू आर ऑलमोस्ट मेड इट टू सैलो सिटी, एंड ये काफ़ी फास्ट फॉर दैट्स फंटास्टिक, इट लुक लाइक योर जर्नी विथ योर पोकेमॉन अराउंड द कैलोस रीजन is going swimmingly. I wanted to tell you about the person in Salos who knows has a great deal about Mega Evolution. People call him the Mega Evolution Guru.
I was told everyone else about him, so if you have a second, you give him a visit. Wow. मतलब लोग हमारी इतनी इज्जत करते हैं, एंड मैंने खुद ही बोला है लोग हमारी इतनी इज्जत करते हैं. सो कट तो अभी हमारे पास है, आ गया है, लेकिन हम सिखाए नहीं हैं, तो किसी को सिखा लेते हैं और क्या, इजीली सीख तो जाने चाहिए हमारे पास. कट एंड सब अवेलेबल है, सिर्फ लुकारी छोड़ के. ठीक है, मैं हम फ्रोगेडियर को सिखा देते हैं. फ्रोगेडियर के पास मूव भी एक अच्छा हो जाएगा, 50 की पावर है, बढ़िया. सो क्विक अटैक हटा देते हैं, क्विक अटैक का कुछ काम नहीं मुझे लगता है. सो चलो क्विक अटैक गया, टडा बाय बाय क्विक अटैक. एंड आज भी वो टू मतलब वो रात में होता ही रहता है. सो रात में करने का तो यही नुकसान है, और दिन में तो कर पाना नामुमकिन, सच में नामुमकिन है. वॉइस ओवर दिन में कभी नहीं कर पाएगा कोई, रात ही में, रात मेरा बस चले तो मैं रात के 12 बजे करूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा. लेकिन यहाँ पे एक पोकी बॉल पड़ी है जिसको हमको शांति से उठा लेना है. डी पैड से नहीं, चलो सर्कल पैड से नहीं, सर्कल पैड डी पैड में क्या करूँ पता है, नहीं पता, मुझको भी नहीं पता. वीनस शॉक मिला है, बढ़िया. चलो वीनस शॉक मिल गया, बढ़िया है. हमको एक अच्छा पॉइजन टाइप मूव मिल गया. चलो टीएम केस में चले गए. सो गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं, एंड मैंने वहाँ का पार्ट नहीं दिखाया थोड़ा. एंड मैंने किसी ट्रेनर से नहीं लड़ा, उसी तरह शांति से निकल आया हूँ. एंड चलो इनसे बच गए. भैया मुड़ जाओ, ओ इसमें भी कुछ नहीं है, मुड़ो मुड़ो भैया, रिफ्लेक्शन के अहेड लिखा है वहाँ पे, मैं क्या करूँ, रिफ्लेक्शन के अहेड, रिफ्लेक्शन के क्यों वैसे बोलते हैं इसको, आई डोंट नो वाई, बट बोलते हैं. मुझे नहीं लगता ये भैया हमसे लड़ने वाले, क्योंकि ये हम इतनी बार इनके सामने निकल गए, ये कुछ नहीं बोले हैं. सो कुछ नहीं लगता नहीं है कि ये बोले लड़ने वाले हैं. सो हमारे ट्रेनर्स की बाधा तो टल गई. सो हमको पीपी मैक्स मिला, बढ़िया, चलो बढ़िया हो गया, हमको पीपी मैक्स मिल गया आज. एंड आज मुझे थोड़ा डर लग रहा है इसलिए, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा होने वाला है, क्योंकि हमको पूरी केव पार करनी है. एंड भरोसा नहीं है मुझको, सच में पता नहीं है कि यह हालत, तो मैं गेम प्ले और वाइस ओवर साथ में कर रहा हूँ, तो मुझको पता नहीं है कि ये केव कितनी लंबी होने वाली है और कितनी छोटी होने वाली है. लेकिन अगर बड़ी केव हुई तो वाट लगने वाली है, 40 मिनट्स 45 मिनट्स, कितने, ओह ग्रोथ मंच जो भी है, कुछ ना कुछ मिल ही गया है हमको. एंड ये फालतू आइटम्स कौन यूज़ करता है, कोई बताए मुझको यूज़ करता हो तो. चलो 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 चलते हैं. ये भैया तो नहीं लड़ने वाले, मतलब भरोसा नहीं करने वाले कि इनके सामने निकलते रहेगा, लड़ लिया तो. ओ इसमें साइकिल और स्केट्स नॉट अलाउड, साइकिल होती तो जल्दी निकल जाते हैं. तो ये अगर ट्रेन रिपेल वॉर ऑफ लगाओ दूसरी, मैंने से सुपर रिपेल एक लगा ली थी. ओ भाई ये तो मुड़ा हुआ था, ये कैसे हुआ. टू टेल दैट यू आर द ट्रूथ, आई एम थिंकिंग टू नेवर लिविंग दिस प्लेस. भाग ले बेटा, लड़ना नहीं. अरे यार कहाँ फंसा दिया इसने तो. एक तो नटलॉक में सच में इतनी बड़ी बड़ी बैटल्स होती हैं, कभी कभी तो मुझको लगता है क्लिप काट के फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दूँ बैटल की, कभी कभी. क्या ये सही है, सही में करने लायक वजह है, या तो मैं सीधे जो करता हूँ वो तो बढ़िया. ये देखिए इसका एच भी एकदम कम, मतलब मैंने कोई चीट कोड नहीं अप्लाई किया. आप मेरा पीपी भी देख सकते हैं मूज के, ये मैं पॉज कर देता हूँ, मार देता हूँ, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ. सिंपल, इट्स एन सिंपल ट्रिक, आपको भी ये करना चाहिए, इससे आपके सब्सक्राइबर का टाइम बचेगा, मतलब व्यूअर का टाइम बचेगा, बढ़िया ना. चलो सुपर इफेक्टिव मूव से इसका काम तमाम हो गया. एंड मैं लास्ट एच भी दिखा दिया करता हूँ,
प्रूफ तो नहीं, इसमें क्या प्रूफ। चलो अपना कम्बा स्किन 27 का हो गया है, ये तो बढ़िया हुआ। चलो लेकिन मुझको सच में ये नहीं पता कि कब कितने लेवल पे ये इवॉल्व होता है, मैं जरा देखूँगा एक बार। देख लूँगा कितने, 30-35 मतलब 30 प्लस में तो इवॉल्व होता ही होगा, और 40 डाउन में। ओ भाई ये क्वाड्रिले करके आ रहा था, मतलब ग्रास टाइप स्टार्टर का सेकंड फॉर्म, तो मुझको पता नहीं था इसलिए मैंने भी नुक निकाल लिया, और पता होता तो मैं स्विच क्यों ही करता। सच में मुझको ये चेस्पिन का इवोल्यूशन नहीं पता था, एंड डबल एच से इसका काम तमाम हो जाना चाहिए था पर नहीं हुआ। नीडल आर्म से हमको कुछ नहीं होने, और बताना 65 तो 59 मतलब 6 एचपी का डैमेज। अगर तू 6 एचपी के डैमेज से हमको 59 एचपी कम करने जाएगा तो तुझको कम से कम कितने 65 या 30 सो 4-5 टर्न लग जाएंगे आराम से। 65 या 30 होता है, हाँ होता है। अरे नौटंकी कर रहा हूँ मैं भी, एंड 21 मिनट का गेम प्ले तो वैसे भी हो गया। पता नहीं आपको इतने बड़े बड़े गेम प्ले पसंद आते होंगे कि नहीं, लेकिन क्या करें, बाद में मैं थोड़े छोटे छोटे भी बनाने लग जाऊँगा। एंड जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक मैंने अपनी से फाइल की वीडियो डाल दी है, मतलब ये जो था, हाँ तब तक तो डाल दी है क्योंकि मेरे पास सेव फाइल आ गई। सो यहाँ तक आज मैं जितना खेल लूँगा तब उधर तक की सेव फाइल आपको मिल जाने वाली है। सो जरूर से चेकआउट कर लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूँगा। सो हमने इस ट्रेनर को हरा दिया, एंड ये ट्रेनर बड़ा ख़तरनाक निकला यार। इस ये कैसे हुआ यार, वो उल्टा मुड़ा खड़ा था यार। एंड हमारे पोकेमॉन्स की हालत बड़ी तो नहीं, मतलब हील कर लिया मैंने, खस्ता थी। चलो 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 देखते हैं। एंड गाइस मैं क्वालकॉम स्नैप मतलब मेरा प्रोसेसर एक स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, फिर भी मैं सीधा MMG में खेलता हूँ। ये थोड़ी यार रिवाइवल हर्ब ये बेचने के बढ़िया काम आएगी, दो हर्ब हो गई हैं हमारे पास, मस्त बेचते रहेंगे। एंड ये पता नहीं आइटम्स में इतना टाइम क्यों लगाती है, खड़ा रहे कैरेक्टर हमारा खड़ा रहता है, कम से कम 15 सेकेंड खड़ा रहता है। ये इस तरह ये दबा रहे हैं लेकिन कुछ होता ही नहीं, इसलिए मैं कभी कभार दिखाता नहीं हूँ, सिंपल। एंड पिछले वाले एपिसोड में मुझसे बहुत गलतियाँ हुई, मतलब अरे उस तरह। सो गाइस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत देर हो गई है, मतलब गेम प्ले मुझको बहुत देर हो गई है। सो चलो इस पोकी बॉल को उठाते हैं, एंड ये कैप सच में बड़ी लंबी है, समझ गया मैं इतने में ही, सही बहुत लंबी। एंड ये जो वॉइस ओवर आप सुन रहे हैं ये गेम प्ले के बाद का है, सो कुछ नहीं कर सकते, सच में बहुत देर हो गई। शायद ही कल आपको वीडियो मिल पाए, मतलब मिल जानी चाहिए इतना तो, हाँ हो आज रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो हो जाएगा, पता नहीं मुझको खुद मिल जाएगी तो भी बढ़िया, नहीं मिली तो भी बढ़िया है, नहीं मिली तो मैं नए। एंड हाँ मैं जल्दी ही अच्छा सा एक लेआउट बना के आपको मतलब वो पोकेमॉन प्लैटिनम गेम खेलने लगूँगा। एंड आप ज़रूर से एक GBA गेम सजेस्ट कर दीजिएगा मुझे, प्लीज़ बोल रहा हूँ प्लीज़, क्योंकि मेरे ध्यान में तो कोई नहीं है। जैसे पोकेमॉन फायर रेड बहुत पुराना है, कोई नहीं देखेगा। और फिर आगे बढ़ें तो पोकेमॉन लास्ट फायर खेल के बैठे हैं, और वाला लास्ट फायर 4.0 तो बड़ा ख़तरनाक सही में। मेरे साथ हुआ क्या मैं बताता हूँ, देखिए एक ठो एपिसोड मतलब मैंने 7-8 एपिसोड जितने भी रिकॉर्ड किए हों तो वहाँ पे हम लोग अटक गए थे, वहाँ पे ब्रैंडन और मे को हराना था। सो उनको तो मैंने मतलब एक नया एपिसोड क्रिएट किया, मतलब वो अपलोड करने के बाद आगे बढ़ने मैंने उनको डिफीट तक कर दिया, लेकिन पता नहीं फिर मैंने अपलोड करने में टाइम लगा दिया, 2-3 दिन लग गए मुझको, और पता नहीं कैसे वो मेरा वीडियो ही डिलीट हो गया, और मैं ना तो उसका बैकअप ले पाया। सो इसीलिए मैंने लास्ट फायर बंद कर दिया, बहुत गुस्सा लगी मुझको, मैंने इतनी मुश्किल सही में इतनी मुश्किल लगी थी उनको हराने में, इतनी
खतरनाक तरीके से, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कुछ नहीं कहते। तो इस तरफ से है तो शांति, थोड़ी देर रुको, मुड़े फिर जाए, भागो 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 भागो, लड़ना नहीं मुझे ट्रेनर से, भागो भागो मुड़ कर, भागो भागो वो मुड़ जाओ, चलो चलो चलो, पहुंच गए, सेफली पहुंच गए, चलो इस ट्रेनर से बच गए, इससे तो बच जाना चाहिए। वो वाला ट्रेनर तो बड़ा खतरनाक निकला, ये भी इसी तरह की, ये कौन सी बात हुई यार, मिरर के तरफ तुम चिपके खड़े हो और बगल ऐसे हमको देख लिया, ये समझ में आता है मिरर में देख रहे, लेकिन बैटल अरोरा सा रहा है, ये सब करोगे, ठीक है अरोरस, चलो अरोरस तो गया, इसको मैंने वन हिट कर दिया एम्बर से, कुछ खास नहीं था ये, चलो अरोरस फेंटेड। अगला कौन है, अगला कौन है जल्दी बताओ, चलो सोल सीसी, ये कौन है भैया पता नहीं, लेकिन कोई ना कोई है ज़रूर, चलो ये सोल सीसी, अच्छा ये है, सो इसके एम्बर या कुछ और मारते हैं, देखते हैं, डबल किक ही मार लेते हैं, कुछ भी मारो लगना तो है, देखते हैं कितना डैमेज देता है, उसी हिसाब से खेलेंगे आगे, चलो चलें चलो चलें, घंटा डैमेज नहीं पड़ रहा, नॉट वेरी इफेक्टिव, एम्बर दे देता हूँ, लाइट स्क्रीन लगा लिया, अब तो और ना पड़ेगा, मतलब लाइट स्क्रीन डिफेंस को डैमेज करती है कि स्पेशल डिफेंस मतलब करती है, सो चलो चलो, कुंभा स्क्रीन का एम्बर एम्बर एंड सोल सोल सीसी एंड बैकग्राउंड में कोई नॉइस आया हो तो सॉरी, अभी बर्न हो गया, ये बढ़िया है, साइक स्कॉक पता नहीं, ये मूव मैं पक्का नहीं पढ़ पाता, 6 HP इतनी तेज़ी से, खतरनाक तेज़ी से डैमेज दिए, जल्दी स्विच करो, जल्दी स्विच करो, अरे स्विच हो भैया, डर लग रहा, अभी तो मुझको विनू को ही निकाल लेना चाहिए, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा इस सिचुएशन में, चलो जल्दी जल्दी, लगता नहीं है कि हम बचेंगे, कि हम बचेंगे, मतलब बचेंगे, क्यों नहीं बचेंगे, विनू इनको इनको तो हरा ही देगा, चलो विनू ने इसको कर दिया है काम तमाम, इसका सोल सीसी का, चलो ये गया, एंड अगला कौन है, हु इज नेक्स्ट, ये लो बेलीफ आई है अगली, सो बेलीफ के लिए मैं कम्बा स्किन को नहीं निकाल सकता, एक काम करता हूँ कम्बा स्किन को हील कर दूंगा, इसके पास कोई फायर टाइप मूव नहीं है, इसको मैं फायर टाइप मूव सिखाऊंगा, जैसे सबसे बढ़िया तो मैं इसको फ्लेम थ्रोअर सिखा दूंगा तो बढ़िया रहेगा, लेकिन उसका टीम वी एम ढूंढेंगे कहीं, अभी तो नहीं मिलने वाला, चलो बेले टाड़ा, ये भी यार मतलब अभी और इस तरह रिफ्लेक्शन वाले मिल गए तो बेकार रह जाएगा, कन्फ्यूज हो गया, ठीक है चलो चलो चलो, हु इज़ नेक्स्ट, हु इज़ नेक्स्ट, 21 लेवल का हो गया है हमारा फ्रोगेडियर, लुकारियो भी 31 लेवल का हो गया, ठीक है 28 लेवल का कम्बा स्किन, और बढ़िया, बगप सीख रहा, नहीं सिखाएंगे, कभी नहीं सिखाएंगे, कत्ता ही नहीं सिखाएंगे, एंड आज मेरे को कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, मतलब हाँ काफ़ी लेट हो गया आज, ये वॉइस ओवर मैं रात में कर रहा हूँ काफ़ी देर बाद, वो टू वाली आवाज़ आ रही है, सॉरी सॉरी क्या, कोई भी रात में अगर करेगा तो छत में बैठेगा तो आएगी ही, मतलब छत में एक रूम में, चलो अर्थक्वेक मारते हैं इसको, अर्थक्वेक से, एक अर्थक्वेक से तो इतना पड़ा था, दूसरे अर्थक्वेक से देख लेते हैं बचा है, चलो ये इसका लास्ट पोकेमॉन होना चाहिए, पता नहीं इस बार इसके पास कितने हैं, चलो ये गया, मैंने पेटल डांस यूज़ किया था शायद,
बाय। हाँ ये इसका लास्ट पोकेमोन था। सो ऊपर जाने से पहले यहाँ देख लेते हैं यहाँ क्या है। ओह ये तो मतलब थोड़ा मेन रास्ता लग रहा है, यहाँ ट्रेनर व्रेनर खड़े हैं। सही में ट्रेनर लड़े लड़े यार बड़ा। और ये एपिसोड मतलब पिछले वाले से भी और भी बड़ा था वाह। मतलब यार इतना बड़ा एपिसोड मुझको भी शर्म नहीं आ रही, लेकिन क्या करूँ इतना बड़ा केव इतनी बड़ी है। सही में सच में केव बहुत बड़ी थी ये, मतलब मुझको पता है क्योंकि मैंने ये गेम प्ले रिकॉर्ड कर लिया है। बच बच के भाग लो, बच बच के भाग लो भाग लो भाग लो। एंड अभी यहाँ हमको एक स्पेशल चीज़ भी मिल सकती है। चलो यहाँ तो नहीं चढ़ पा रहे हम, इन ये दीदी से बचना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। पहले मैं पोकी बॉल उठा लाता हूँ जाके। पहले ये दीदी को ढंग से इधर मुड़ने दो, एक बार मुड़ गई अब इधर मुड़ जाओ तब मैं भाग लूँ। चलो मुड़ गई, भागो 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 भागो। चलो कुछ ना कुछ करके तो पहुँच ही जाएंगे कहीं। चलो ये दूसरी हाँ यूज़ करना है हमको सुपर एप्पल। अच्छा मैंने 7-8 खरीद ली थी। चलो ये सीढ़ी रिफ्लेक्शन में दिख ही रहा है, इसीलिए इसका नाम रिफ्लेक्शन केव है। एंड मैं थोड़ा धीमे बोल रहा हूँ तो सॉरी, मन नहीं कर रहा अभी, लेकिन क्या करूँ कल वीडियो डालना है तो डालना है। 12 PM एवरी डे। एंड वाइज अगर आपको मेरा डेली का टाइम पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ अभी। हाँ मैं डेली 10 PM 12 PM पे डेली वीडियो आती है, और कोई स्पेशल वीडियो हो तो बाद में पहले पता नहीं। जैसे मैंने सेफाइल की एक वीडियो डाली थी अलग से गेम प्ले की, और पता नहीं मैं पोकेमोन प्लैटिनम का क्या ही टाइम निश्चित करूँगा, वो भी मैं खेलने वाला हूँ। और GB में आपको ही बता दीजिएगा। तो 3 days टू गो, मतलब 3 दिन ऐसे तो नहीं। मैं एक काम करूँगा, 1 दिन 2 वीडियो डाल दूँगा, 1 दिन 1 ही वीडियो डालूँगा। ओ भाई TNO तू यहाँ क्या कर रहा, मतलब तू भी जर्नी पे निकला है लेकिन तू यहाँ क्यों कर रहा है, ये बहुत बड़ी केव है। सरीना है सरीना, इफ यू यूज द मूव फ्लैश नॉट एज मैनी वाइल्ड पोकेमोन विल टर्न अप। वाह ऑब्टेन फ्लैश, अच्छा ये एक तरीका है फ्लैश देने का। ठीक है बढ़िया, इनके तरीके बड़े मस्त हैं। चलो ठीक है, चलो गुड वेरी गुड बैटलिंग। चलो हड़ाओ TNO हमको निकलने दो, या तुम निकलो हमको निकलने दे रहे, बढ़िया बाय। हमको तुमको सैलो सिटी मिलेंगे, हाँ मिल सकते हैं, मिल भी सकते हैं और कुछ नहीं। चलो एंड क्या मास्टर बॉल। सो जैसा कि मैंने आपसे कहा था स्पेशल चीज मिल गई एंड हमको मास्टर बॉल मिल गई यार। मारो मुझे, मारो भाई, मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। नहीं ये मैंने आपसे कहा था रैंडमाइजर में कुछ भी हो सकता है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हमको मास्टर बॉल मिल गई तो बढ़िया बात है। और मुझे पता नहीं मैं इसको किस पे यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि हम लेजेंड से लेजेंड को भी, हम इतने लेजेंड है कि हम लेजेंड को भी पकड़ ले रहे हैं उसमें ही पोकी बॉल में। चलो ये यहाँ से रास्ता मैंने देखा नहीं था, मैं पोकी बॉल उठाने में ही था। सो इस ट्रेनर से तो बच के, बहुत बच के जाना, इससे मेरा लड़ने का कोई विचार नहीं है। भगो देखते हैं बच पाते हैं कि नहीं। अंकल जी आप जब दूसरे राउंड में निकलेंगे तब मैं आपसे लड़ूँ बचूँगी। चलो 34 बच गए हम। अरे एक और रिफ्लेक्शन वाला लड़का, ये भी लड़ेगा भाई यार, बड़ी मुसीबत है सही में, बहुत मुसीबत है। चलो मैथिकल पावर कुछ बात कर रहा, चलो हटाओ। 3 पोकेमोन हिप्पोपोटामस, बाय हिप्पोपोटामस। देखना मैं चुटकी बजाऊंगा और वैसे ही ये इसका HP खत्म। ये ऐसा चीट लगाया है मैंने एंड
एंड बाय। रुको इसका सैंड स्ट्रीम देख लें दो। बाय। अब बाय। कोई चीट वीट नहीं लगाया यार मैंने, स्विच कर लेता हूँ, दिखाता नहीं, बस सिंपल जब उम्र कगार में होता है तब दिखा देता हूँ। कंफ्यूज होने के बाद भी एक अच्छी में रह जाता, मेरी किस्मत ही ख़राब है। बार बार मेरे साथ यही होता है, एक एचवी में बची जाना है। तेरा सेंस टीम, ओ भाई स्लीप हो गया, जगाओ जगाओ इसको, 3 टर्न बर्बाद करने से अच्छा इसको 1 टर्न में जगा दो, ज़्यादा सही रहेगा। चलो इसको हम जगा देते हैं जल्दी से, ज़्यादा टाइम खोटे करते हुए। अवेकनिंग 2 ठो पड़ी हैं, बढ़िया है। मैं बाहर जाके और ख़रीद लूँगा थोड़ी बहुत, मतलब अभी तत्काल में तो नहीं। सैलो सी टीम खरीदेंगे, सैलो सी टीम खरीदेंगे हम। हिप्पोपोटामसिस कन्फ्यूज गया। चलो अगला इसका हॉन्ट क्रो है, तो मैंने आज से इसको निकाल लिया चार्ज भी मारने के लिए। चलो इसका हॉन्ट क्रो इसी के साथ ख़त्म। बाय हॉन्ट क्रो। एंड मैं दिखाती ही करता हूँ, मतलब कि कौन से ट्रेनर के पास कौन से पोकेमोन है, इसलिए दिखाता हूँ कि मतलब मेरे साथ काफ़ी लोग खेल रहे हों तो उनको भी पता चल जाए, क्योंकि मुझको भी मुश्किल होती है सही में। लेकिन ठीक है, हम तो झेल लेंगे, वो लोग नहीं झेल पाएंगे, इसलिए व्यूअर्स के लिए कुछ भी करना पड़ता है। चलो हॉन्च करो इस बफर्ड विथ। चलो व्हाट विल आरसीएस डू, आरसीएस विल डू चार्ज बीम। चलो चार्ज बीम से ये तो गया। नेक्स्ट पोकेमोन इसका कौन सा है? चलो बढ़िया, ये गया। एंड अगला कौन है? एंड गाइस अब मुझको लगता है आज हमारा वॉइस ओवर कंप्लीट हो जाएगा, तो कल मैं वीडियो आराम से डाल पाऊँगा, आराम से तो नहीं, बड़ी मुसीबत होती है पता नहीं। अभी ये वीडियो का साइज कम से कम 700 to 800 MB का तो बन जाएगा, 900+ का होगा। चलो अगला कौन? डुअल चॉप सीख रहा सैंडी, सो टेक डाउन हटा देते हैं और क्या। चलो सैंडी सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो। ओ क्लोइस्टर आ रहा था तो मैंने स्विच नहीं किया और सीधे चार्ज बीम के लिए रख दिया। चार्ज बीम से ये वन हिट हो जाना चाहिए। ये पता नहीं बैटल में क्यों ही लैग करता है। ठीक है थोड़ा बहुत, मतलब वो वाला उसके बाकी उस तरह, लेकिन मुझको मज़ा आता है खेलने में तो बढ़िया। चलो क्लोइस्टर का काम ख़त्म। एंड अगला इसका कोई नहीं है, बढ़िया है, 3 पोकेमोन थे। बाय। चलो हमने तुमको हरा दिया, बढ़िया हुआ, 22 का फ्रोगेडियर हुआ। चलो हरा दिया इसको। एंड मैंने हील कर लिया है, सेव कर लिया है, सब कर लिया है, आगे बढ़ते हैं इज्जत से। कोई और बाकी हो सेव भी एक और बार कर लेना चाहिए, ज़्यादा सही रहेगा। चलो पोकीडेक्स 102 है, वाह, मतलब अभी तक हमने 102 पोकेमोन देखे हैं, मतलब ये पूरा आना तो नहीं दिखाएगा। सो गाइस चलो फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा, सो बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ रहा है सॉरी, जल्दी से हील करते हैं एंड आगे बढ़ते। काफ़ी बड़ा एपिसोड हो गया है और मुझको लगता है थोड़ी देर बाद मैं वॉइस ओवर ना कर पाऊँगा, इसलिए जल्दी से कर लेते हैं। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, जल्दी जल्दी। यहाँ कुछ और तो नहीं है, कोई और बैटल तो ना हो, बढ़िया। चलो एक और रिपेल यूज़ करो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सुपर रिपेल। अरे एक पोकेमोन टपका, कौन आ है? एंड बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही, सॉरी। ड्रेसिल यहाँ क्या कर रहा है? भगाओ, चलो भाग लेते हैं यहाँ से, यहाँ ये कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रेत गिर रही है तो रेत को हटाओ। एक और रिफ्लेक्शन।
चलो एक और बैटल करनी पड़ गई मतलब। ठीक है जल्दी से वो भी बैटल निपटा लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है एंड आज मैं एस्केप से बाहर निकल ही जाने वाला हूँ 100%। स्टार पीस मिल गया हमको, चलो जल्दी जल्दी। चलो हम लोग ने स्टार पीस लूट लिया, आगे बढ़ते हैं जल्दी से एंड ये पक्का बैटल करने वाले थे तो चलो जल्दी से चलते हैं, इनसे बैटल करते हैं एंड आगे भाग जाते हैं यहाँ से। चलो इनके पास क्यूरम और मेगा चारिज़ार्ड है तो जल्दी जल्दी हरा लेते हैं, ज़्यादा कुछ खास ताकतवर नहीं है मतलब। ये जोड़ी तो बड़े ख़तरनाक है लेकिन हम इनको आराम से हरा लेने वाले हैं, मुझको पता है। चलो इसने हमारे ऊपर कोई मूव यूज़ किया एंड 1x में था तो कलर उड़ गया, लेकिन ठीक है। चलो क्यूरम ने आइस बीम यूज़ किया जिसका हमें कुछ असर नहीं होने वाला जैसा कि मुझको पता है। 3 HP पे डैमेज बच गया, वाह डबल किक। चलो क्यूरम का काम तमाम कर जाएगी ये डबल किक पूरी तरह से। एंड मैंने गार्चम को हटा लिया है जल्दी से। चलो ये हो गया हमारा। चलो क्यूरम गया, चारिज़ार्ड बचा और इसका नेक्स्ट कोई आ रहा है। सो मैं ज़्यादा तेज ना बोल रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, अब वरना वॉइस ओवर भी रह गया। काफ़ी देर हो गई है वैसे। ठीक है अभी दिक्कत नहीं है। चलो 2-3 मिनट का एपिसोड ही बाकी है। कम्बस्किन का कलर पूरा उड़ गया और मेरी आवाज़ उड़ गई। चलो लुकारियो 32 का हो गया मतलब लेवल अप हो रहे हैं काफ़ी तेज़ी से। चलो चारिज़ार्ड भी एट द एंड है, मैंने शैडो बॉल यूज़ किया था चारिज़ार्ड पे सो ये एट द एंड आ गया ना के बराबर। चलो 31-34 का विनू हो गया एंड ये ड्रैगन एयर सेंड किया मतलब ड्रैगन सब ड्रैगन ही भेज रहे हैं। ठीक है चलो इन ड्रैगन्स को तो हम हरा देंगे, इजली डिफीट कर देंगे। कम्बस्किन को स्विच कर लेते हैं वरना कम्बस्किन कोई भी मूव पड़ते ही ख़त्म हो जाएगा। और फ्रोगेडियर को निकाल लेते हैं, फ्रोगेडियर हमारे बड़े काम का चीज़ होगा। और ये कम्बस्किन वो शैडो वॉल पड़ते हुए लुकारियो के काम तमाम हो गया इसका। एंड ये ड्रैगन एयर भी अब ज़्यादा देर की मेहमान नहीं रह गई मुझे लगता है, इसको भी हम आराम से हरा देने वाले हैं जब मेगा चारिज़ार्ड चला गया तो। अभी चलो थोड़ा ढंग से, चलो राउंड सीख रहा तो राउंड सिखा दे दिया है हमने। चलो 24 का भी हो गया लग हाथ मतलब वैसे ही मूव सीखने के बाद अगला लेवल तुरंत हो गया उसी उतने एक्सपीरियंस से। चलो ठीक है कम्बस्किन भी लेवल अप हो गई बढ़िया, 30 की हो गई वाह। चलो ठीक है चलो यार चलो मुझको बहुत जल्दी मची है सही में। सो ये ड्रैगन एयर तो इससे चला गया। चलो ये ड्रैगन एयर का काम तमाम। सो आज मैंने इसको हरा दिया है एंड अब एपिसोड काफ़ी लंबा हो चला है। चलो जल्दी से बाहर निकलते हैं एंड आगे कोई बैटल ना हो तो बढ़िया है। चलो मुझे इससे बात नहीं करना है ना कुछ चाहिए मुझको। पोकी बॉल उठा लेते हैं, निकल लेते हैं यहाँ से एंड का पॉइजन जेम मिला है जल्दी से हटो। चलो मिल गया हमको पॉइजन जेम, आगे बढ़ते हैं हम लोग एंड आज मैं ये केप ख़त्म कर दिया। चलो भाई लोग मज़ा आ गया, केप ख़त्म हो गई। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया रुक जाइए थोड़ा देर, पसंद आया तो भी रुक जाइए थोड़ी देर, हील कर लेते हैं सेव कर लेते हैं फिर चलते हैं आगे। आगे क्या चलेंगे, एपिसोड को बंद करते हैं। सो गाइस अगर आपको अभी भी चलो जल्दी जल्दी हील करो। सो हमारे पोकेमॉन सील हो गए। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ना भूलें एंड और कुछ भी सब्सक्राइब जरूर से मार लेना।